तो गाइस आज हम आए हैं दिल्ली के मशहूर शाहीन बाग में, और आज हम करने वाले हैं शाहीन बाग में सही। इतने कबाब मंगाए और ये रही खमीरी रोटी इसके साथ। लो बिस्मिल्लाह। नवी गुलाटी देसी कबाब ये रहा। मैं अपनी शॉप का एड्रेस बताओ। शॉप का एड्रेस है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है रमजान चल रहा है और आज रमजान का 15वां रोजा, तो आज हम सैरी करने के जा रहे हैं शाहीन बाग। हेलो जामिन, हाय करो। सारे बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन इन बच्चों में एक बच्चा न्यू आया है, घर पर रहता था लेकिन अब से बाहर आने लग गया जामिन, और ये सारे बच्चे रहमत है। चलो अब जाओ जल्दी से घर पे। 5 hours later सैरी करने के लिए जाना शाहीन बाग। ओखले जो कि हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है, और भी मैंने अभिषामा और शारिक को कॉल करा, वो भी आ रहा है। तो आप सबने से पिछले ब्लॉग में देखा होगा हम जामिन गए थे सैरी करने के लिए, और इस बार जाएंगे हम शाहीन बाग। तो बिना कुछ देरी करे जल्दी से चलते हैं, उनको लेते फिर चलते हैं। सबसे पहले स्कूटी के अंदर पेट्रोल फिल कराते हैं, पेट्रोल कम है स्कूटी में। अभी हम डायरेक्ट ओखला जा रहे हैं, रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ा है, वहां से पेट्रोल डलवाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। यार आप सब देख ही सकते हो यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा रोड पर। Turn left onto Kanal Circus. यार मेरे को तो लगता है पहली बार जा रहा है, इतनी दूर इफ्तारी करने के लिए, बहुत ज्यादा दूर, कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर। इफ्तारी नहीं, सैरी सैरी। रास्ते में हमें पेट्रोल पंप मिला, तो पेट्रोल फिल करा दे स्कूटी में। हम कहाँ पर है? निजामुद्दीन में। ओखला नहीं, निजामुद्दीन में। अभी हम अब चलते हैं, तो अभी आधा घंटा ट्रैवल करके हम सिर्फ पहुंचे हैं निजामुद्दीन में। Few moments later. Finally, शाहीन बाग हम आ गए, और भाई देखो ये बहुत ज्यादा थक गए। ये मैक्सिमम भाई 40 किलोमीटर था, और मेरे बाल पूरा खराब हो गएंगे, स्कूटी चला रहा था मैं, तो अब तो भी पहन लेता हूँ मैं। अब लग रहा हूँ अच्छा है? सब सामने देख ही सकते हो, देखो वो रहा सामने बाजार लगा हुआ यहाँ पर। तो अब देखेंगे हम जामा ज्यादा बेटर था या शाहीन बाग ज्यादा बेटर है। तो चलते हैं, आओ। स्कूटी हमने आप खड़ी कर दी। और यहाँ पर स्टार्टिंग में कारपेट मिल रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। बल्ली मारन की नारी मिल रही है, हम यहाँ पर इतनी दूर आया, वो भी बल्ली मारन की नारी खाने है, वो तो हमारे एरिया के बिल्कुल पास ही है। क्या होगा कुछ यार, एक और ब्रांच खुला हुआ यहाँ पर, हाजी मोहम्मद हुसैन। और यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं देखो, ऐसे अरेबियन स्टॉल। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुरेशी कबाब है मेरा। घर से हम 1:30 पर निकले थे, और पहुंचते हमें 2:30 हो गए थे। तो अब देखो टाइम क्या हो रहा है, 3:05 हो रहा है, और सैरी भी स्टार्ट हो गई है अभी। चलो जल्दी से अब सैरी करते हैं, कुछ खाते हैं। क्या खाओगे भाई, क्या खाना पसंद करोगे? शोरमा खाते हैं। और हमारे साथ आया था कैमरा मैन चारना, ऊपर देखो भाई यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, 3 बजे भी जाओ, इससे ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पर पता नहीं कौन सी कोल्ड ड्रिंक मिल रही है दिल्ली में। ये देखो यहाँ पर अरेबियन फ्राइड चिकन, जावेद फेमस नहारी। भाई नारी खानी आज नहीं आई क्या? आज नारी नहीं। अभी हमने सोचा भी हम एक शोरमा लेंगे खाने के लिए सामने से। चारों भाई शुरुआत कर रहे हैं शोरमा से, फेमस शोरमा।
अभी हम टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक ही शोरमा लिया अभी हमने यहाँ से। भाई ने अंदर बैठने के लिए सिटिंग बना रखी है, देखो ये रहा हमारा शोरमा। शोरमा तो हमने खा लिया, अच्छा था काफी टेस्ट में, अब कुछ और खाने चलते हैं। यहाँ पर हम ब्लॉग बना रहे हैं ना, सारे लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई आ गया हो, क्योंकि यहाँ पर यार जमीत तो ऐसा इलाका है वहाँ पर सारे कैमरा ओपन होते हैं, ब्लॉग ब्लॉग बनते रहते हैं, यहाँ पर नहीं बनते इतना, कोई भी कैमरा नहीं है किसी के हाथ में, ओनली हम दोनों के हाथ में। और हम दूसरी डेस्टिनेशन पर आ गए यहाँ पर चंगेरी चिकन पर। और हमने यहाँ से ऑर्डर करे हैं टर्किश कबाब, देखो यहाँ पर हमारे अभी फ्राई वो हो रहे हैं, सीख रहे हैं, ज़्यादा सीख रहे हैं। हमजू ब्लॉग के नाम से आईडी यूट्यूब पर। और ये कबाब है भाई, टर्किश कबाब है, टर्किश कबाब, टर्किश कबाब को भी देखते हैं यहाँ से लेकर भाई से। भाई का नाम क्या है? मोहम्मद मोहम्मद। भाई अपनी शॉप का एड्रेस बताओ। शॉप का एड्रेस है शाहीन बाग 40 फुटा रोड। शाहीन बाग 40 फुटा रोड। भाई बता रहे हैं यहाँ पर इनके फादर ने क्या कहते हैं इन्वेंशन करा था इसका, कह रहा है सामने। यहाँ पर बैठते हैं, तू वहाँ क्यों बैठा हुआ, इधर आन के बैठना। मैंने तो आज तक खाई नहीं टर्किश कबाब, पहली बार ट्राई करके देखी थी टर्किश कबाब, यहाँ से लिया हमने, दो ऑर्डर करे। बहुत से लोग मेरे पर कमेंट्स कर रहे थे सबके रेट भी बताया करूँ, तो आप सबको रेट भी बताएंगे हम सारी चीज़ों के। और हमारे कबाब भी आ गए, देखो ये रहा मैंने कबाब मंगाया, और ये रही खमीरी रोटी इसके साथ। भाई बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। कैमरामैन भाई तुम तो खा लो, अब इन दोनों से पूछ लेते हैं इनको कबाब कैसे लगे। भाई कैसे लगे पूछा मैं, कबाब एवरेज थे बस। कैसे थे भाई? सही, ज़्यादा अच्छे नहीं थे। यहाँ से भी हमने खा लिया, और सैरी ख़त्म होने में अभी एक घंटा और बाकी है यार, जल्दी से घर जाएंगे क्योंकि हमें पहुँचने में भी मैक्सिमम एक घंटा तो लगेगा ही। लास्ट आइटम खा लेते हैं कुछ कबाब रोल, हमने जा सकाया वो भाई पैसे भी नहीं ले रहे थे हमसे, कह रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से दे दी थी वो सामने दो। और अब यहाँ के हम लास्ट आइटम खाएंगे बिरयानी, क्योंकि यहाँ के खाने मेरे को काफ़ी ज़्यादा महंगे लगे, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और आप सबको एंड के अंदर मैं सारी चीज़ों के रेट बताऊँगा, प्राइस बताऊँगा। आइटम कोलकाता रोल लास्ट अभी वीडियो तो बनाने थे, अभी रख दे बाद में खाइए। हमारी बिरयानी आ गई रही विद प्याज, खाओ भाई। चलो टेस्ट करते हैं बिरयानी। बिरयानी हमारी फिनिश हो गई है, और सच बताऊं तो मेरे को यहाँ का सिर्फ पानी बहुत अच्छा लगा। आ जाओ टाइम तो दिखा दो, क्या होगा भाई? 4 बजने वाले हैं भाई, 4 बजने वाले हैं, तो हमें पहुँचते पहुँचते शहरी ख़त्म हो जाएगी हमारी। मैं बताऊँ तो यार मेरे को यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था एक तो, और टेस्ट भी अच्छा नहीं था। अपना जामा मस्जिद का ही बहुत अच्छा है, और अपने घर का अभी हम जा रहे हैं घर पर, अगर टाइम रहा तो शहरी का टाइम बचा रहा तो घर पर कुछ खा लेंगे, लेकिन वैसे पेट तो पूरी है। और उसको भाई अगली बार आओगे शाहीन बाग है? मैं तो नहीं आऊँगा, अब बस जाने के अंदर हमारी हालत ख़राब होगी, क्योंकि बिल्कुल रोड बिल्कुल हो गया, बस सन्नाटा हो गया, डर लगेगा जाने में बहुत। चलो भाई अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, अभी हमें बहुत दूर जाना है। क्या मैंने अपने फ़ोन में मैप लगा लिया भाई, ये तो हमें ग्रेटर नोएडा लेकर जा रहा है। तो अब मैं घर पर आ गया हूँ शाहीन बाग से, भाई बहुत ज़्यादा दूर था हमारे घर से वो, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँ। शहरी खत्म होने में सिर्फ 10-15 मिनट बाकी हैं, जल्दी से अगर घर पर कुछ खा लूँगा। आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय।